हाई फ्रेंड्स वेलकम टू द गेम विच यू इन्जॉय द मोस्ट टुडे वी हैव विद वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड अ कम्पेरेटिवली अ वेरी न्यू प्लेयर एक नया प्लेयर आया है विस्की इंडस्ट्री में और इसके एक अलग ही मायने हैं इसके अलग मायने इसलिए हैं क्योंकि इस विस्की की खास बात यह है कि इट इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया यानी कि इंडियन मोल्ट स्पिरिट और इंडियन ग्रेन स्पिरिट से बनी हुई ये विस्की टूडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज विस्टलर ब्लैंडेड मॉल्ट विस्की इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी नाइनटीन सिक्सटी में जी हाँ ये आती है आपके पिकैडली ग्रुप से और पिकैडली ग्रुप से आपको और भी ऑप्शन मिलती हैं जैसे विस्की में आपको गोल्डन विंग्स मिलती है इनकी रम भी आती है और इनकी एक वोटका भी आती है अब ये जो आप ये एक बड़ा सा डब्ल्यू देख रहे हैं हमारे पास इस बड़े से डब्ल्यू को देख के आपको एक मूवी याद आएगी तो क्या हम इस बड़े से डब्ल्यू को देख के खुश हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसने उम्मीदें बढ़ा दी हैं क्योंकि खास बात यह है कि इसमें मुलासिज नहीं है तो इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज के अराउंड आई थिंक ये एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है अब चलते हैं फिर हम बॉक्स ओवर रिव्यू पर बिल्कुल तो अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ द बॉक्स की इस बजट के लिए इट इज़ अ टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ बॉक्स आई वुड से और जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी जो सेइंग है स्पिरिट्स ऑफ ईस्ट जैसे कि आप जानते हैं इंडिया या एशिया एज अ कॉन्टिनेंट फॉल्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो ये ईस्ट यानी कि हमारे इंडिया की विस्क है प्राउडली एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो ये कि ब्लेंडेड मोल्ट विस्की अगर ये एक विद लगा देते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए काफ़ी एक आई वुड से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है अब चलते हैं हम बॉटल ओवर व्यू पे और देखते हैं क्या खास है इसमें आई वुड से अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट लुकिंग बॉटल डिजाइन और इसके अंदर जो कलर्स है वो वाइट कलर ज्यादा यूज किया गया जैसे कि बॉक्स पे था तो टू तो मेक इट इन सिंक और इस बॉटल की खास बात यह है कि अगर आप इसे कभी आ, लाइव देखेंगे इस बॉटल को तो आपको एक चीज दिखेगी कि बॉटल वैसे तो काफ़ी हद तक सर्कुलर ही है ऊपर से अगर मैं दिखाना चाहूँ टॉप व्यू में तो है तो ये सर्कुलर लेकिन पीछे से इसको एक हल्का सा फ्लैट एच पी दिया गया है तो समहाव जैसे जॉनी वॉकर की बॉटल्स का पीछे से कुछ एक लुक आता है सिर्फ बैक साइड से आ रहा है नॉट बाकी तीन साइड से वैसी लुक नहीं आ रही है अगर हम इस बॉटल की प्राइस की बात करें तो 750 फिफ्टी की बॉटल के लिए डेली uh, में आपको पे करने पड़ेंगे सेवन हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ और अगर हम इसके अल्कोहल बाय वॉल्यूम की बात करें ए बी वी दैट इज फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट और ये जो विस्की है दिस पर्टिकुलर ब्लेंड इट इज डिस्टिल्ड एंड बॉटल्ड इन हरियाणा ओनली अब चलते हैं हम इसकी पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है लेट्स प्ले द गेम एक चीज और बताना चाहूँगा मैं इस विस्की की खासियत एक ये भी है कि इसमें कोई भी एडेड फ्लेवर्स नहीं है ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस बजट में अगेन आपको उम्मीद होती है कि शायद आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिल जाए और एक खास बात और है इस विस्की की इसको जो एज कराया गया है वो कराया गया है अमेरिकन ओक बैरल्स में ना ही सिर्फ जो इसका मॉल्ट स्पिरिट है वो एज कराया गया है ओक बैरल्स में बल्कि ग्रेन विस्कीज जो हैं वो भी एज कराई गई हैं ओक बैरल्स में अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें अगर मैं बात करूँ नोज पे इट इज मेलोड इन अ सेंस थोड़ी सी स्ट्रॉग है मेलोड से मीडियम भी नहीं जा पा रही स्ट्रांग तो ये बिल्कुल भी नहीं है तो मैं कहूंगा मेलो और मीडियम के बीच में कहीं पर है और सबसे पहली चीज जो आपको नोस पे फील होगी दैट इज फ्रूटीनेस एंड हिंट ऑफ एप्पल रेड एप्पल और आपको इसमें थोड़ी सी एक बर्न वुड की जो एसेंस होता है जो स्मेल होती है वो आपको फील होगी ओवरऑल नोज़ पे एक्सपीरियंस ठीक है बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी तो नहीं है लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है ठीक है अब देखते हैं कि ये पैलेट पे क्या कमाल करती है और इस कलर के लिए और इसकी टेस्टिंग के लिए चलेंगे फादर साहब के पास कलर तो इसका एम्बर है बिल्कुल अब चलते हैं हम इसकी टेस्टिंग पर इस विस्की की डिमांड बहुत आई है हमारे चैनल पे जबकि कंपेरिटिवली एक बहुत नया ब्रांड है विस्की का वेरी स्मूथ ओके बिल्कुल भी माइनर से भी अल्कोहल की फील नहीं हुई okay. ओके अल्कोहल बर्न नहीं है बिल्कुल ना और फ्रूटीनेस फील हो रही है अच्छा फ्रूटीनेस भी आ रही है तो इसके लिए हम अपने एक सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने रिकमेंड की थी उन्होंने स्मोकीनेस बिल्कुल नहीं है ठीक है और स्पाइसीनेस uh, बिल्कुल लाइट है हल्की सी बाइनर ठीक है ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है अच्छा एक्सपीरियंस है तो अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की तो आप इसे क्या रेट करना चाहेंगे भाई इस सेगमेंट में मैं इसको एट पॉइंट थ्री देना चाहूँगा एट पॉइंट थ्री बहुत अच्छी रेटिंग दे रहे हैं आप क्योंकि कोई हार्शनेस नहीं कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत अल्कोहल वाला कोई टच है नॉर्मल है स्मूथ है तो इसीलिए मैं एट पॉइंट थ्री दूंगा okay. बाकी इंडियन पैलेट के हिसाब से बनाई है उन्होंने अच्छा जैसे कि इंडियन पैलेट को स्वीट विस्कीस हाँ ज़्यादा पसंद होती हैं जो ज़्यादा स्मोकी विस्कीस भी लोग इतनी पसंद नहीं करते कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो एक ऐसा वर्ड है जो बंदे अपने आप को स्मार्ट बनने के लिए भी बोल देते हैं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स विस्की है जी ये है वो है बट एक्चुअल में हम वही विस्की ढूंढते हैं जो हमें मज़ा दे जो अच्छी फील कराए कॉम्प्लेक्स विस्कीस की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना वो हम रखते हैं जब हम फिफ्टीन हंड्रेड प्लस सेगमेंट में जाते हैं कि वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार हमने इतने पैसे करते हैं इस सेगमेंट में तो ये ठीक है ठीक है बहुत अच्छी है तो बाकी ए... मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसका कम्पेरिजन भी हम चाहेंगे कि बैरेंट्स और उसके साथ किया जाए ए, ब्लेंडस प्राइट ब्लेंडस प्राइट ब्लेंडस प्राइट ब्लेंडस प्राइट के साथ तो अभी तक हमारे चैनल पे बैरेंट्स का हम रिव्यू कर चुके हैं उसका आई बटन में हम आपको लिंक दे देंगे आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं वो भी एक नया प्लेयर है और काफी अच्छा उसने भी परफॉर्म किया था और अब बात आती है ब्लेंडर स्प्राइट की हमने आज तक उसका रिव्यू इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक हम इसी खोजबीन में चल रहे थे कि उसी सेगमेंट में हमें नए नए ब्रांड्स नए नए ब्रांड्स चाहिए थे तो उसी आ... में हमने वो भी दिया बैरेंट्स बैरेंट्स और एक ये नया प्लेयर आ गया नया प्लेयर आ, आ गया तो अब हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि हम विस्लर वर्सेस बैरेंट्स वर्सेस ब्लेंडर स्प्राइट का एक ह्यूज कंपैरिजन लेकर आए और उससे जो विनर निकलेगा शायद वो हमारा अंडर एट एट हंड्रेड अराउंड की कैटेगरी का, का विनर होगा बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो कीप लविंग अस और एक खास बात और ये जो पूरा वीक है ये है फेस्टिव सीजन का वीक जिसके अंदर भैया दूज दिवाली काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं तो हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत, बहुत बहुत दिवाली की मुबारकें शुभकामनाएं और बी सेफ अच्छे से इन्जॉय करें दिवाली को खूब खाएं और तब पिए जब आपके पास टाइम हो फैमिली का टाइम काट कर पीना ज़रूरी नहीं होता एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल रिमेम्बर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बदलास पीना भी एक कला है Til Til then, then, cheers. Cheers.